नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कॉरपोरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कई जगह, मैं अभी दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ दिल्ली के लिए ही बना रहा हूं, अभी स्पेशली ये वीडियो दिल्ली के लिए है। अदर स्टेट के लिए मैं अगली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली कॉरपोरेटिव सोसाइटी, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे उसके अंदर मेंबर एड्स होते हैं और वही पैसा वो लोन पे चलाया जाता है। दोस्तों जैसे हम लोग कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी में 200 रुपये डिपॉजिट होता है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना, किसी में 500 होता है, अलग अलग सोसाइटी में वो मतलब जितने भी मेंबर हैं उनका डिसीजन होता है कमेटी का कि कितना अमाउंट उनको जो जमा करना होता है। दोस्तों ये क्रेडिट सोसाइटी के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कॉरपोरेटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं हम लोग। पहले नॉमिनल सोसाइटी मैंने जैसे नेशनल लेवल की एनजीओ उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो ओनली सिर्फ कॉरपोरेटिव सोसाइटी की है, क्रेडिट सोसाइटी बेसिकली आप बोल सकते हो, जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन लोन उन्हीं को मिलता है जो इन सोसाइटियों के मेंबर्स होते हैं, अदर बाहर के बंदों को लोन इसमें नहीं मिलता। मेंबर होना बहुत ज़रूरी होता है और हर मैनेजमेंट जो टीम जो सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी होती है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं। कोई 6 महीने पुराना मेंबर होना चाहिए, कोई 1 ईयर मेंबर पुराना होना चाहिए, तो अलग अलग कंडीशनें होती हैं हर सोसाइटी के अंदर हो सकती हैं वो, क्योंकि जो भी उनका बायलॉज होते हैं, मेमोरेंडम्स होते हैं, उसमें कंडीशन लिखी होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या टाइम लगता है, क्या टाइम फ्रेम है, इसके डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं जो भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, पहले तो मैं आपका इसका पर्पस बता देता हूं। दोस्तों ये एक बेसिकली ग्रुप सोसाइटी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्रेडिट सोसाइटी ग्रुप या कास्ट से रिलेटेड, मान लो आप कास्ट जो भी कास्ट होती है हिंदू मुस्लिम, मतलब बेसिकली जितने भी मेंबर ग्रुप होते हैं जो सोसाइटी बनाते हैं, बेसिकली ना सोसाइटी फ्रेम होती है। ऐसे नहीं इसमें जो मेंबर है वो भी उसी कास्ट का या उसी रिलीजियस का, जो भी है ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है उसके अंदर, कोई भी इसमें अकाउंट्स ओपन करा सकता है अपना बैंक। ये भी आरबीआई से ही अप्रूवल होता है इसका लाइसेंस, ऐसे नहीं है कि कॉरपोरेटिव जो सोसाइटी है मतलब लीगल है, कोई इनलीगल सोसाइटी नहीं होती कि सिर्फ बेसिकली आप उनका सर्टिफिकेट जरूर देखें। आज की डेट में कुछ बहुत ज़्यादा फेक सोसाइटियाँ भी चल रही हैं दोस्तों, जिसमें आप पैसे जमा भी करते हो और आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। दोस्तों तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, जो सोसाइटी में आप पैसा जमा कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई पुलिस FIR नहीं है, उस पर कोई आप लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका कितना भी पैसा हो डूब जाएगा तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए आपकी जो सोसाइटी होनी चाहिए बेसिकली वो रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए, अगर वो लोन प्रोवाइड कराती है सोसाइटी तो क्रेडिट सोसाइटी होनी चाहिए, ये भी देख लेना आप। ऐसा नहीं नॉमिनल आपने NGO सेक्शन 1860 में उसमें NGO सेक्शन में जो अपना है उसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा हो और उसके अंदर वो लोन का काम कर रही है, वो भी इनलीगल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कॉरपोरेटिव सोसाइटी जैसे आप खोलना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। दोस्तों कॉरपोरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेन मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं, बाकी नॉमिनल 2-4 डॉक्यूमेंट और ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जितने भी इसके अंदर मेंबर, टोटल मेंबर होने चाहिए 52 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें है, 52 मेंबर, ठीक है ना, इतने मेंबर अभी आपके होने चाहिए दोस्तों। और सबका 500 का शेयर होता है और 100 रुपये का कुछ अलग एक चार्ज वगैरह होता है, 600-700 रुपये पर बंदा उसमें आता है। दोस्तों तो इसमें 52 मेंबर्स वगैरह होने चाहिए दोस्तों। और जो इसकी गवर्नमेंट फीस है, गवर्नमेंट फीस बेसिकली आप इसको सिक्योरिटी पर्पस जो होल्ड होता है आपका अमाउंट, वहाँ पर आपका 2,08,000 रुपये समथिंग इसके आसपास ही आपका पैसा जमा होता है वहाँ पर FD के पर्पस से। FD होती है एक तरीके से देखा जाए तो, जब आपका सोसाइटी, आप कॉरपोरेटिव सोसाइटी को क्लोज करते हो, सरेंडर करते हो उसका लाइसेंस, तो आपको पैसा रिफंडेबल मिल जाता है। बस कंडीशन ये है सोसाइटी के अंदर आप लोगों ने या मैनेजमेंट जो सेक्रेटरी है उसके अंदर, मैनेजमेंट है ना फाउंडर है बेसिकली जो चला रहे हैं उसको, जो भी उसके अंदर सेक्रेटरी होता है फाउंडर होता है, उसने कोई गलत काम ना किया हो, गलत काम बेसिकली कोई हेर फेर ना किया हो पैसों का, तो वो आपको अमाउंट मिल जाएगा रिफंडेबल जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, ठीक है ना। अदरवाइज उसमें फिर क्या नाम है
अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर तो कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा। आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा जाके, आपके ऊपर सिविल सूट फाइल हो सकता है, गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, आप भी अपने उनके अगेंस्ट में फाइल करोगे तो आपको ये सर्टिफाइड करना पड़ेगा कि हाँ जी हमने कोई घपला नहीं किया, हमारे कंप्लाइंस कंप्लीट है, हमारे रिटर्न है, हमारे ऑडिट होते थे, हमारे ऑडिट कंप्लाइंस है, जो CA के थ्रू हमारे ऑडिट होते थे, ठीक है ना, अपना ITR बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सारा गवर्नमेंट को उनको कोर्ट में वेरीफाई कराना पड़ेगा अगर आपने कोई घपला नहीं किया है तो। अगर डिपार्टमेंट कहता है आपने घपला किया है और आप कहते हैं आपने नहीं किया, तो सीधी बात है कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको अपना अमाउंट निकलवाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने बताया जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, टोटल 52 मेंबर्स होने चाहिए इसके अंदर, अभी फिलहाल की बता रहा हूँ मैं, ये आज की वीडियो आज के हिसाब से डॉक्यूमेंट, हो सकता है इन फ्यूचर में गवर्नमेंट अमेंडमेंट डाल दे कोई से भी, उसमें डॉक्यूमेंट कुछ चेंज हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया 208,000 रुपये अप्रोक्सीमेट इसमें आपका सिक्योरिटी फंड डिपॉजिट होता है, टोटल 52 मेंबर्स होने चाहिए इसके अंदर दोस्तों, और जितने भी मेंबर हैं टोटल सबकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। KYC का मतलब आपको पता है आज की डेट में सबसे बड़ी ID पैन कार्ड है, ठीक है ना, उसके बाद आधार कार्ड है, पैन कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया आपका और एक फ़ोटोग्राफ दोस्तों। तो दोस्तों आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोटोग्राफ और जो भी इसके अंदर जहाँ पे भी आप कॉरपोरेटिव अपना ऑफिस दिखाएंगे, जो रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाएंगे सोसाइटी का, वहाँ का एक लीगल ऑनरशिप प्रूफ होने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट हो गए उनका, रेंट एग्रीमेंट हो गया वहाँ का, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है, ठीक है ना, और अपना पानी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हाउस टैक्स की रिसिप्ट हो गई, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को चाहिए चाहिए, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बाकी आप नेट पे भी जा सकते हैं, नेट पे आजकल तो गूगल पे आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन डालेंगे गूगल में सब चीज़ आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है, तो आप गूगल में भी आप इसको रीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंप्लाइंस इसके अंदर क्या क्या है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, जैसे एक तरीके से बैंक है वैसे ही ये बैंकिंग से RBI के थ्रू ही इनको लाइसेंस मिलता है। अगर बैंक है तो बैंक इसमें कॉरपोरेट सोसाइटी का करंट अकाउंट भी ओपन होता है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा इसका मेन पर्पस यही होता है, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं FD RD, ठीक है ना, मंथली बेसिस पे जो भी जो पैसा जमा कराते हैं सेविंग अकाउंट की तरह, ऐसे इसमें होता है, इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, 1% मान लो या 1.5% मान लो, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग टर्म कंडीशन वगैरह होती हैं, और अगर आपको लोन दिया जाता है तो उसका थोड़ा फालतू लिया जाता है, जिससे कि वो सोसाइटी रन हो सके चल सके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना आए सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको दिल्ली के अंदर कॉरपोरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी बेसिकली, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो दिल्ली के अंदर क्रेडिट सोसाइटी का, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इस वीडियो इसके अंदर नंबर मिल जाएगा, अपना वीडियो के थंबनेल में नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से, ठीक है ना, आपको उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक, कैसे आपको रनिंग करनी है, क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको वैसे नेट पे भी पढ़ सकते हैं आप, गूगल पे जाएंगे आप अपना लिखेंगे क्वेश्चन तो वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना हो सोसाइटी का, ठीक है ना, या NGO का रजिस्ट्रेशन कराना हो, या किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी टाइप का, उसका आपको लाइसेंस लेना हो, ठीक है, तो उस लाइसेंस के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जितना भी लीगल वर्क उस टीम आपके बिजनेस के होंगे लीगल काम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का या लाइजनिंग का या रजिस्ट्रेशन का, हमारी टीम के माध्यम से आपका सारा काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा आप बाहर जाते हैं काम कराने, ठीक है, बहुत सारे दलाल बेसिकली बोल लो, ठीक है, ब्रोकर्स हो गए जो भी हैं, वो पेपर्स ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और फ़ोन भी नहीं उठाते। मेरे पास कई क्लाइंट्स आए हैं ऐसे काम करवाने के लिए जिनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो गया एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो बोलते मतलब कम पैसे के चक्कर में बेसिकली वो कहते हैं कि भैया अगर कोई काम 10,000 का है, अगर कोई काम 20,000 का है, तो वो कहते हैं हम 4,000 में करा देंगे, हम 2,000 में करा देंगे। अल्टीमेट क्या होता है उसका रिजल्ट आपको पता है क्या होना है, 2,000 और 3,000 वाले काम का क्या रिजल्ट होना है, ना तो वो फ़ोन उठाने वाला बंदा, ना तो रिप्लाई करने वाला बंदा, अल्टीमेटली सामने वाले को काम छोड़ना पड़ता है, उससे नहीं करवाता, फिर पैसा ही बर्बाद चला गया एक तरीके से उसका। तो दोस्तों आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप हमारे थ्रू करवाएं, कंसल्टेंट ही आपको चाहिए अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम होना चाहिए, आपको पता है टाइम होना चाहिए, और लीगल वर्क की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, कानून के बारे में या लीगल वर्क के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसको अपने आप भी रजिस्ट्रेशन इसका करवा सकते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने, आप डॉक्यूमेंट तो आपका काम होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा काम,
बस वो टाइम का चक्कर है, या आप डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम है, फॉर्मेट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, तो हो सकता है आपको फॉर्मेट्स भी वहाँ पे मिल जाए दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों सोसाइटी से क्रेडिट सोसाइटी जो है, अगर इसके बारे में कोई रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पूछना हो तो इस नंबर पे हमारी टीम से बात करके आप अपने क्वेश्चन जो भी होगा आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। सारा का सारा जो भी सॉल्यूशन है उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या अदर बिजनेस लाइसेंस के रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग नहीं देख पाते। आज की डेट में वैसे टाइम की शॉर्टेज है, हर व्यक्ति को टाइम नहीं रहता किसी के पास दोस्तों। तो अदर किसी चीज़ के लिए, किसी और लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए बात करनी हो तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हो दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें कि इन फ्यूचर किसी का मन बन जाए, या कोई सोच रहा हो, या कोई धोखे फ्रॉड से बच जाए बाहर किसी दलाल या उससे कराने के लिए, तो आप हमारे थ्रू, हमारी एक लॉ फर्म है पवन मिश्रा एंड एसोसिएट्स के नाम से, आप नेट पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी रजिस्ट्रेशन और आपके लाइसेंस के अंदर दोस्तों। देन अगेन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।